वहीं भारतीय नौसेना ने चीन को जैसे का तैसा जवाब देना शुरू कर दिया है। हिंद महासागर में चीनी नौसेना की बढ़ती मौजूदगी को देखते हुए भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोतों को दक्षिण चीन सागर में तैनात किया है। हाल ही में इस तैनाती में शामिल 3 युद्धपोत सिंगापुर पहुंचे हैं, जिससे चीन लाल हुआ है। की रिपोर्ट देखिए। भारत की हुंकार, चीन में मचा हाहाकार। भारत के 3 बाहुबली, चीन में मची खलबली। बाहुबलियों की धमक, जिनपिंग की कम होगी अकड़। समंदर में भारतीय नौसेना का सुपर पावर प्लान। भारत की बढ़ती ताकत से डरा धोखेबाज चीन। चीन चालबाज की चालाकी पर चाबुक चलाने के लिए भारत की नीति से जिनपिंग सक पकाए हुए हैं। विस्तारवाद की नींद का दम भरने वाला चीन भारत की शतरंजी चाल से बेबस और मायूस नजर आ रहा है। तहलीज से लेकर समंदर तक भारतीय बाहुबली की हुंकार से हाहाकार मचा हुआ है। भारतीय नौसेना ने चीन पर नकेल कसने के लिए दक्षिण चीन सागर में पूर्वी बेड़े को तैनात कर चीन सदमे में है। भारतीय नौसेना के 3 युद्धपोतों के सिंगापुर पहुँचने के बाद से चीन में खलबली मची हुई है। समंदर में चीन की धमक को कम करने के लिए भारतीय नौसेना के 3 युद्धपोत गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS दिल्ली, दीपक क्लास फ्लीट टैंकर INS शक्ति और एंटी सबरमीन INS किल्टन तैनात कर दिए गए हैं, जिसका सिंगापुर की नौसेना और भारत के उच्चायुक्त ने नौसेना के 3 युद्धपोतों का गर्मजोशी से स्वागत किया है। समंदर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना लगातार महासागरों में गश्त कर रही है। भारतीय नौसेना की पहल के पीछे दक्षिण लाल सागर में दबदबा बनाना है। भारतीय नौसेना के मुताबिक ये यात्रा दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े की परिचालन तैनाती का हिस्सा है। ये यात्रा कई कार्यक्रमों और गतिविधियों के जरिए दोनों समुद्री देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। बंदरगाह में जहाजों के प्रवास के दौरान कई तरह की गतिविधियों को शुरू करने की योजना बनाई गई है, जिसमें भारतीय उच्चायोग के साथ बातचीत, सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के साथ पेशेवर बातचीत के साथ साथ अकादमिक और सामुदायिक आउटरीच शामिल हैं, जो दोनों नौसेनाओं के साझा मूल्यों की अहमियत को बताती है। चीन दक्षिण लाल सागर के 80% इलाके पर अपना दावा करता है। हालांकि दक्षिण चीन सागर से सटे बाकी देश इस दावे को नकारते हैं। चीन का भारत के साथ पुराना सीमा विवाद है। इसमें दक्षिण चीन सागर में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी से चीन की टेंशन बढ़ जाएगी। चीनी नौसेना भी हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी का विस्तार कर रही है। ऐसे में भारतीय नौसेना उसकी नाक के नीचे रहने से चीन को दक्षिण चीन सागर पर भी अपना ध्यान लगाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।